हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस चैप्टर नंबर 10, फ्लूड्स का मोशन, जिसके अंदर हम देखेंगे बेटा, आज हमारा टॉपिक होगा स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ के अंदर हम क्या देखेंगे कि जैसे हमारे पास, हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था विस्कोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी, वैसे ही आपका स्टोक ने भी विस्कोसिटी का एक लॉ दिया था, दैट इज नोन एज स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सो ये भी हमारा विस्कोसिटी के अंडर है, इट मींस कि फ्रिक्शन फोर्स के अंडर ही होगा, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स ही होगा। सो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर मूविंग थ्रू ए फ्लूड ऑफ कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा विथ वेलोसिटी वी इज गिवन बाई, जिसका वेलोसिटी, कोई भी फ्लूड जो है वो मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी आपको वी गिवन है। कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन टू यू एज ईटा, रेडियाई इज आर। सो जो आपका ये फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स एफ होगा दैट विल बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई इज कॉन्स्टेंट विच इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, ईटा पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, आर पे और वी पे। अभी हम आगे यहाँ देखेंगे कि किस तरह से ये इनकी पावर पे डिपेंड करता है। सो दिस इज नोन एज स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब वही चीज जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस किस फैक्टर्स के ऊपर आपके फोर्सेस डिपेंड करते हैं। सो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है दैट दिस डिपेंड्स ऑन कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड, विस्कोसिटी पे दैट इज ईटा पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दैट इज वी पे डिपेंड करता है, एंड द लास्ट फैक्टर रेडियाई आर ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, इट मींस कि आपकी रेडियाई पे डिपेंड करता है। अब हमें इसका नहीं पता है कि ये रिलेशन क्या होता है, वी हैव टू जनरेट इट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो एफ इज इक्वल टू के ईटा की पार ए, वी की पार बी, आर की पार सी। हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करेंगे, हमें ईटा वी एंड आर की डायमेंशंस नोन है। एफ इज फोर्स m1 l1 t-2, दिस इज आल्सो नोन टू अस। सो राइट डाउन ऑल द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल द फोर क्वांटिटीज एंड कंपेयर द कोफिशियंट्स, एज के इज हेयर डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी m1 l1 t-2, ऑन राइट हैंड साइड इट विल बी व्हेन बेस इज इक्वल सो पावर कैन बी एडेड, m की पार a, l की पार माइनस a प्लस b प्लस c, एंड t की पार माइनस a माइनस b। व्हेन वी विल कंपेयर इट देन व्हाट विल हैपन, m की पार a, इट मींस a इज इक्वल टू 1, ऑन लेफ्ट हैंड साइड m की पार 1 है, राइट हैंड साइड m की पार a है। नेक्स्ट एल की पार को कंपेयर करेंगे देन यू विल गेट माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 एंड माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। यू हैव 3 इक्वेशंस, 3 अननोन, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। सो यू विल गेट एफ इज डायरेक्टली, एफ इज इक्वल टू के ईटा की पार 1, आर की पार 1, वी की पार 1। दिस के कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली एंड यू कैन से अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ दिस इज इक्वल टू 6 पाई। सो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ व्हाट इज बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। आई होप स्टोक्स लॉ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टर्मिनल वेलोसिटी। वॉट इज टर्मिनल वेलोसिटी बेटा, एज इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्रिटिकल वेलोसिटी। वॉट वॉज क्रिटिकल वेलोसिटी, इफ वी विल रिकॉल इट, वी कैन से दैट द इंटरमीडिएट वेलोसिटी, और यू कैन से द वेलोसिटी एट विच, यू कैन से ऑन वन साइड द फ्लो विल बी स्ट्रीम लाइन वाइल ऑन द अदर साइड द फ्लो विल बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। सो नाउ वी विल डिस्कस वॉट इज टर्मिनल वेलोसिटी। एज यू नो दैट दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी इज मैक्सिमम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विच इज एक्वायर्ड बाई अ बॉडी वाइल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूड इज टर्म एज टर्मिनल वेलोसिटी। जब भी हम किसी विस्कस फ्लूड के अंडर किसी ऑब्जेक्ट को फॉल करते हैं तो इनिशियली वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा, ड्यू टू ग्रेविटी इट विल इंक्रीज इट्स स्पीड, बट आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल सी दैट द वेट ऑफ द बॉडी विच इज एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द
The upthrust and viscous force which are acting upward, these two will be balancing state. Then in that case there will be no net increase in velocity. So you can say after this situation the body will start to fall with constant velocity, and this is the maximum velocity which a body can attain during its motion. So this velocity is termed as terminal velocity. Then I hope कि टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ क्या होता है बेटा. हम वापस से एक बार रिकॉल करते हैं. जब भी हमने जैसे हम रेन ड्रॉप का एग्जांपल यहां पर मैंने आपको लेके एक्सप्लेन किया हुआ है. कोई रेन ड्रॉप है ऊपर से आएगी क्लाउड से. इनिशियली वो ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेट होगी. आफ्टर दैट ड्यू टू ग्रेविटी है एक्सीलरेशन लगेगा वेलोसिटी में इंक्रीज होगा. ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी आपका विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगा क्योंकि विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका. Then, अब क्या होगा बेटा. After a certain time, true weight of the body will be equal to upthrust and viscous force. जब ये वाली स्टेट आ जाएगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि बॉडी स्टार्ट टू फॉल विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज बेसिकली नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी. अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा. टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखते हैं क्या आएगा आपका. अपवर्ड थ्रस्ट आपका क्या होगा. वेट के इक्वल होगा दैट इज mg. हम यहाँ पर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम. वही रिलेशन हम लगाएंगे तो हम मास को लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. स्फेरिकल है ड्रॉप तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा 4/3 πr³ इंटू रो. रो इज द डेंसिटी इंटू जी. दिस विल बी द अपथ्रस्ट. वेट कितना हो जाएगा स्फेरिकल बॉडी का 4/3 πr³ रो इंटू जी. रो आपकी बॉडी की डेंसिटी है. अब हमें देखना है कि अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स इन दोनों का जो सम होता है दैट इज बैलेंस्ड बाय द ट्रू वेट ऑफ द बॉडी. सो दिस विल बी इक्वल टू 4/3 πr³ रो जी प्लस 6 πe·rv. दिस इज द विस्कस फोर्स दैट विल बी इक्वल टू 4/3 πr³ रो इंटू जी वेर रो इज द मास डेंसिटी ऑफ स्पेयर एंड सिग्मा इज द मास डेंसिटी ऑफ फ्लूड. तो अब हम यहां से बेटा वेलोसिटी की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट. सो 6 πe·rv इज इक्वल टू 4/3 πr³ रो माइनस सिग्मा इंटू जी. वेन यू विल कैलकुलेट वी दैट विल बी इक्वल टू जब आप इसको कैंसिल आउट कर दो इट विल बी 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा इसी में एक और टॉपिक हमारा आता है दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है बेटा. दिस इज अ पैरामीटर हुज वैल्यू डिसाइड द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप कि आपका किस तरह का फ्लो होगा. रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू होगी यही आपका डिसाइड करेगा कि आपका फ्लो जो है वो स्टेडी है स्ट्रीमलाइन है लेमिनार है टर्बुलेंट है. तो रेनॉल्ड नंबर को रेनॉल्ड ने दिया था. क्या था इसका फॉर्मूला. Re इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा. रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वी इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड डी इज द डायमीटर ऑफ दैट पाइप थ्रू विच द फ्लूइड इज और द लिक्विड इज फ्लोइंग एंड ईटा इज द कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड. नाउ वी हैव टू सी दैट ऑन विच वैल्यू दिस फ्लो विल बी टर्बुलेंट दिस फ्लो विल बी स्टेडी. इफ दिस Re इज इन बिटवीन 0 to 2000 देन यू कैन से that the flow is streamline or laminar flow. If Re is greater than 3000, then you can say this flow is turbulent flow. But if Re is in between 2000 and 3000, then you can say that आपका जो flow है, that is not stable, that may be converted in terms of streamline, while on the same way, it may be converted in terms of turbulent flow. So these are the conditions for Re. The value of Re will decide which type of flow the liquid is flowing. तो I hope आज हमने जो जो तीन topics देखे हैं बेटा एक Stokes law देखा एक Reynolds number देखा और एक हमने terminal velocity देखा. I hope these three points are clear to you. In the next video we will discuss surface tension. Thank you बच्चे. God bless you.